सांसद जी, जिस तरह से आज रेल का उद्घाटन हुआ है उसमें कौन सी ट्रेन का उद्घाटन किया गया, किस तरह की जनता की डिमांड थी और आपको कैसे अनुभूति हुई कि यह प्रयास आपका सार्थक रहा? देखिए, इटावा नहीं, मैं समझता हूँ कि आज इटावा के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। ये रेलवे की मैं कहूँ, यदि सभी स्टेशनों का हिसाब लगाएं तो पहली बार एक स्टेशन से दो ट्रेनों का शुभारंभ हुआ। एक इटावा ग्वालियर पैसेंजर आज नई चालू हुई और एक इटावा कोटा एक्सप्रेस नई चालू हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इटावा के लिए दो दो ट्रेनों का आज शुभारंभ होना ये रेलवे के इतिहास में एक बड़ी बात है और इटावा के लोगों का ये सौभाग्य समझता हूँ, मेरा ये सौभाग्य कि जो लंबे समय से जनता की मांग थी उसको आज रेलवे विभाग ने पूरा किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ से एक इंदौर और उज्जैन के लिए ट्रेन का बड़ा मांग हो रही है कि पर्यटन स्थल और आध्यात्मिक दृष्टि? नहीं, निश्चित रूप से जो चलती है और उसको यहाँ से कराया जाए? नहीं, जो जनता की मांगे हैं हम धीरे धीरे उनको पूरा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी।